ध्यान से देखिए, इस लाल रंग के सर्कल के अंदर इस महिला के पेट में जो ट्यूमर था वो एक ही सेकंड में कैसे गायब हो जाता है। परमेश्वर के दास ने जिस तरह से प्रार्थना किए उसी समय हम लोगों ने देख रहे हैं कि कैसे किस तरह से ये ट्यूमर गायब हो गया है। उनके पेट पर आप ध्यान से देखिए, जो पहले एक ट्यूमर रहता है उसके कुछ सेकंड बाद और वो ट्यूमर दिखाई नहीं देता है। प्रभु की महिमा हो। 4 दिन के महासभा में परमेश्वर ने अद्भुत काम अपने दास के जरिए से किया है। देखिए मेरे प्रियो, आंखों को विश्वास नहीं होने वाली ऐसी चमत्कार प्रभु के दास के द्वारा प्रभु कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे प्रियो कि कैसे उनका पेट पहले फूला हुआ था, लेकिन प्रभु के दास ने जब अपने दोनों हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना किया तो उनका पेट सामान्य हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आइए मेरे प्रियो और एक अद्भुत चमत्कार को हम देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। ये भाई को आप देख पा रहे होंगे मेरे प्रियो, ये भाई एक भयानक दुर्घटना से गुजर कर आए हैं, जिनकी की और पैर टूट गई थी और जिनके हड्डियां टूट गई थी और जिसकी वजह से कि उनको रॉड लगाना पड़ा है पैरों के अंदर और जिसकी वजह से कि वो एक वॉकर के सहारे यहाँ पर आए थे, लेकिन अब इन्होंने वॉकर को छोड़ दिया है और प्रार्थना की वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से वो और अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से परमेश्वर के दास आशीष के पानी को, अभिषेक के पानी को उनके पैरों पर छिड़क रहे हैं ताकि ये चल पाएं, ताकि ये दौड़ पाएं परमेश्वर की हुजूरी में और ये पूरी तरह से चंगाई को पा सकें। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आशीष का जल जब छिड़का गया तो फिर वो अपने पैरों की जांच कर रहे हैं, कितने खुश हैं और वो अपने पैरों की जांच कर रहे हैं। वो पैर ठीक तरह से काम कर रहा है, अच्छी रीति से काम कर रहा है, वो अपने हाथ को भी खड़े कर रहे हैं। अभी परमेश्वर के दास ने जब उनसे कहा कि आप चलिए तो वो चलने लगे हैं। अद्भुत आश्चर्य रीति से कितनी बड़ी मिरेकल है मेरे प्रियो। आज ये भाई और इनकी पत्नी जो रोते हुए प्रेयर टावर में आए थे वो हंसते हुए अपने घर लौट जा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। और एक अद्भुत चमत्कार को हम देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, और इस व्यक्ति को जो आप देख रहे हैं, न जाने कितने सालों से इनका पैर काम नहीं कर रहा था, इनका पैर सिकुड़ गया था, लेकिन आप देख रहे हैं प्रभु के दास इनको कैसे दौड़ा कर लेके जा रहे हैं। और वैसे ही जितनी तेज़ी से प्रभु के दास जा रहे हैं उतनी ही तेज़ी से वो भी दौड़ रहे हैं। और ये समय वो समय था जिस समय प्रभु के दास प्रार्थना भवन से बाहर निकल गए और लोगों के भीड़ में चले गए और लोगों की परेशानियां सुनने के लिए और जिन्होंने लंबी लंबी लाइनें लगाई हुई थी उनके पास खुद प्रभु के दास चले गए और लोगों को दौड़ाने लगे, चलाने लगे, जो अपाहिज थे, लंगड़े थे, वो चलने लगे। यीशु मसीह की जय। आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए, चंगाई के लिए, परिवार में आशीष के लिए, व्यक्तिगत आशीष के लिए आप लोग आ सकते हैं हर शुक्रवार की उपवास की प्रार्थना में, जो होती है बोरीगुमा ब्लॉक ससाहांडी के पास नुआगा। आगे ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें शारोन प्रेयर टावर यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।